किसको बताएंगे? कितने सौ हो तुम बताओ? पहले तो कच्चा हो चाहे नॉर्मली, फिर रबर का तो मैनपुरी मिला है, तो मैनपुरी में और रबर मैंने तो फूल चाह का हुआ अच्छा कप में तो कहा है ना लगने और वो नरेंद्र से विजय वाली से लेना टीका नहीं लगाओ तो फिर रास्ते में अगले महीने फिर नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्या था वो बी सी जी का टीका है वो बी सब जी टीवी की टीवी और नंबर है मैं कॉल करके तो आते हैं मिलेगा वे उस पर अरे नंबर बता 6 7 कोई ना कोई मॉडल लेके आएगा बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है अब कोई दिक्कत ना अब कुछ इंतजाम करवा रहे हो एग्जाम का ऑपरेशन देने को नंबर कॉल आप 96 27 90 18 कौन सा तो नंबर बताया था नंबर क्या था किसने बताया था यहाँ पर हम तो ऐसा हो गया तुम्हारे यहाँ पर नंबर लेते रहते हाँ जी कह रहे ललन नहीं ना छुरी और चाकू रख लेंगे लला को लिया लला को डाक के हाँ और छुरी और चाकू लेते और अपना और डाक रही है हाँ हाँ और कुछ जल्दी ले अरे ध्यान ना हो तो कहीं मुर्गी चरे की वो ये आ जाएगी आज वहाँ ना कि ये वाला कि गाँव में देखिए कितना मुश्किल होता है किसी भी काम को करना। इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये जो काम हो रहा है हमारे बच्चों की भलाई के लिए हो रहा है। मतलब इनको लगता है कि मतलब इसमें इन लोगों का कोई फ़ायदा है। तो देखिए आशा में और मतलब गांव की एक महिला में किस तरीके से लड़ाई हो रही है। Gracias.
हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी लोगों का जो है स्वागत है मेरे रजनी लाइव ब्लॉग्स में, और मैं हूँ रजनी। तो आप लोगों ने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा कि आज मैं कहाँ गई थी। तो आज मैं गई थी अपने गांव, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ICTS विभाग में सोशल वर्कर की पोस्ट पर मेरा जॉब है। तो आज मैं गांव गई थी, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह होता है, तो जैसे आज 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका वैक्सीनेशन था, जो टीके जो लगते हैं बच्चों के, तो वही था आज, वही प्रोग्राम था। तो आज मैं गांव गई थी, वहाँ पे मेरा मतलब वैक्सीनेशन में मेरा सहयोग रहता है, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन हो या फिर पोलियो वैक्सीनेशन हो, कुछ भी हो, इनमें सब में मेरा मतलब सहयोग रहता है। तो मैं आज गांव गई थी, और तो मैं आज अपने गांव गई थी, और सुबह जो है काम निपटा के जाना होता है, बहुत ही जल्दी मैं होती हूँ सुबह, तो सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अब वहाँ से मैं वापस आ गई हूँ, और वापस आके चेंज भी कर लिया है साड़ी, सॉरी मतलब ड्रेस भी चेंज कर ली, साड़ी पहन के जाती हूँ गांव में। वैसे मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो आदत नहीं है साड़ी की, तो बहुत ही ज़्यादा उलझन होती, तो तुरंत ही आके चेंज करती हूँ। और चाय बना ली, पी ली, और अब सोचा बता दूँ आप लोगों को मैं कहाँ गई थी। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे, देख ही लिया होगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।